नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y28s 5G versus Vivo Y58 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y28s में 6.44 इंच जबकि Y58 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y28s में 2.98 इंच जबकि Y58 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y28s में 0.33 इंच जबकि Y58 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y28s में 185 ग्राम जबकि Y58 5G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y28s से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y28s में 6.56 इंचेस जबकि Y58 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y28s में 720x1612px HD+ और Y58 5G में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y28s में 84.01% जबकि Y58 5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y28s में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y58 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y28s में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y58 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y28s में 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y58 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y28s में Mali G57 MC2 जबकि Y58 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y28s में MediaTek Dimensity 6300 और Y58 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y28s में 4GB जबकि Y58 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y28s में 5000 mAh जबकि Y58 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
वीवो Y28s 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Y58 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y58 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।